चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामाधितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना। वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपनु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है प्रेम के ऊपर। ये जो जगत है ये जगत चलता है प्रेम से, लेकिन प्रेम क्या है उसको आज हम समझेंगे। तो पहले इस श्लोक को एक बारी कंठस्थ कर लेते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। प्रभु जी आपको चेयर चाहिए? आपको दिक्कत हो रही होगी? नहीं, चेयर क्योंकि चेयर है आपके घुटने में दिक्कत है ना, आप चेयर पे बैठ लो। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। बंगला का प्यार है। प्रेम धन बिना, प्रेम धन के बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, यहाँ पे दो विशेषता लगा दी, उसका जीवन व्यर्थ है और वो दरिद्र है। तो क्या कह रहे हैं, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, मुझे अपना दास करके वेतन क्या दो, प्रेम धन दो। तो इसको गाते हुए सबसे पहले आप बोलो, आपके पीछे पीछे सब बोलेंगे। प्रेम धन बिना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, 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 दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवाना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवाना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी मोर दे, दास करी प्रेम धन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन,
दास करी वेतन मोरे देह प्रेम दाना। आप सब सब टीचर हो आप लोग बोलो, हम पीछे पीछे बोलेंगे। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम दान। अब बिना देखे कौन बोल सकता है? हाँ बोलो मोहित प्रभु। प्रेम धन पहली चीटी के लिए दास करी वेतन मोरे। अच्छा आप बोलो बिना देखे। आप तो बोल ही लोगे, बोलो। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करे वेतन मोरे दे प्रेम धन। ठीक है, और कोई बोल सकता है? बड़ा सिंपल है। देखो ये सारे शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हो, सारे शब्द हमें पता है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। ठीक है, इसको याद कर लो। ये तो एक दो बार ही पढ़ने से याद हो जाने चाहिए। जब हम श्लोक से याद करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो मेधा शक्ति है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर क्या होता है, दो बारी देखो अपने आप याद हो जाता है, तीसरी बार देखना नहीं पड़ता। तो इसमें कह रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से है? प्रेम धन। धन क्या होता है? तो अपना धन मुझे दे दो। धन किसको कहते हैं? धन को एक उसका पर्यायवाची शब्द है ना, संपत्ति। धन पैसे को भी नहीं कहते अगर देखा जाए तो। जैसे पहले 2000 रुपये का नोट था, 1000 रुपये का नोट था, एक ऐसा समय उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। धन बोलते हैं संपत्ति को। जैसे एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो कहते हैं इसके पास संपत्ति बहुत है। किसी के पास बहुत सारा सोना चांदी है, कहते हैं इसके पास संपत्ति बहुत है। तो धन का मतलब हो गया संपत्ति। अब संपत्ति क्या होती है? जो विपत्ति में हमारी मदद करती है उसको बोलते हैं संपत्ति, जो हमारी विपत्ति में कुछ काम आ सके। जैसे जो संपत्ति हमारी विपत्ति में काम ही नहीं आ सकती, वो संपत्ति ही नहीं है। जैसे जो पुराने नोट थे, आज वो हमारी विपत्ति में काम आ सकते हैं? तो वो धन ही नहीं रहा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनका फ्लाइट कहीं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रुक गया। अब वहाँ पे क्या था, उनका फ्लाइट जो है 6 घंटे पूरा पैक रहा और 6 घंटे वहीं पे खड़ा रहा। अब जो अंदर लोग थे उनको बहुत पानी का प्यास लग रहा है लेकिन उनके पास पानी नहीं है कि किसी को पिला सके, और खाना भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो महाराज जी थे, महाराज जी के पास इतना खाना था कि वो फ्लाइट में सबको खिला सकते हैं कुछ कुछ, क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं, देखा होगा जब ट्रैवल करते हैं बहुत सारा प्रसाद लेके जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारा प्रसाद भी था और पानी भी था, लेकिन पानी लिमिटेड था। अब उनके पीछे एक माता बैठी थी, उनका बेटा बार बार रो ही जा रहा है। अब वो रो किस लिए रहा? उसको पानी की प्यास लग रही है। तो महाराज जी ने बोला मेरे पास पानी है, अब इसको पिला दो। तो उसको पानी लेके पिला दिया। अब उसके बाद जब लोगों को पता चला इनके पास पानी है, तो सब लोग क्या कहते हैं कि अच्छा हमसे कुछ पैसा लेके हमें कुछ खाना दे दो, कुछ पानी दे दो। तो वहाँ पे पैसा और वो लेके भी क्या उनको पानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जैसे जब हिमालय पे वो जो प्रलय आई थी, तब सुनने में आया था कि पार्ले जी के जो बिस्कुट हैं उसके लिए लोगों ने, या पानी के लिए लोगों ने अपने कान के कुंडल तक उतार के दे दिए थे, हमें एक एक बॉटल पानी ही दे दो। तो संपत्ति वो वस्तु होती है जो हमारी विपत्ति में हमें रक्षा करती है, उसको बोलते हैं वास्तविक में धन। जैसे अगर अभी हम इंडियन रुपीज़ को लेके अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे क्या है? पेपर है, ये किसी काम का नहीं है, वहाँ तो डॉलर चलेगा। तो वास्तविक में धन किसको कहते हैं? जो हमारी विपत्ति में रक्षा कर सकती है। अब हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कैसी कैसी संपत्तियाँ आती है। तो कहते हैं माता के जानीबे बंधु
माँ को अपना बंधु समझो, कब माता के जानिबे बंधु भवने, मतलब जब आप अपने घर पे हो, जब एक छोटा बच्चा घर पे है उस समय उसके लिए धन क्या है, उसकी माँ। अब एक छोटा सा बच्चा जो अभी 2 महीने का है उसके लिए सोना चांदी यूजलेस है, वो उसकी रक्षा नहीं कर सकती, बल्कि बच्चे के पास सोना चांदी होगा तो सूखी मार के सोना चांदी वैसे ही ले जाएगा, उसका धन क्या है, उसकी माँ। फिर कहते हैं कि जब वो बड़ा होता है, विद्या के जानिबे बंधु विदेश गमने, अब वो बड़ा हो गया, अब वो विदेश में जा रहा है, विदेश का मतलब हो गया एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है, तो वहां पे क्या उसकी माँ उसकी बंधु होगी, वहां पे उसका बंधु कौन होगा, उसकी विद्या, तो उसका धन क्या हो गया, विद्या। इसलिए बच्चों को कहते हैं ना कि विद्या पढ़ाओ, उसके लिए पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करते हैं, कोई पैसा किसी को फ्री में लुटाता है, लेकिन कॉलेज में करोड़ों लाखों रुपये फीसिस देते हैं, किस लिए, कि बच्चे के पास एक इससे बड़ी संपत्ति आ जाएगी जो उसको पूरा जीवन हेल्प करेगी, वो क्या है, विद्या। तो विद्या एक संपत्ति हो गई जो हमें मदद करती है कहाँ पे, जब हम अपने देश के बाहर हैं, वहाँ पे तो विद्या ही काम आएगी। फिर बताया औषध के जानी बे बंधु रोग निवारण है, अब एक व्यक्ति बीमार हो गया तब विद्या काम आएगी, माता काम आएगी, तब क्या काम आएगा, केवल औषधि काम आएगी, उस समय बंधु कौन हो गया, औषधि हो गई। अब जैसे आईसीयू में कोई जाता है, जब किसी को आईसीयू में भेजते हैं तो उसके शरीर में से सब कुछ उतार लेते हैं, यहाँ तक कि कंठी भी पहनी हो तो कंठी भी उतार लेते हैं, सोना चांदी सब उतार लेते हैं। पेरेंट्स भी अगर जाना चाहें आईसीयू में बच्चे से मिलने जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर उसका बंधु कौन है, डॉक्टर नर्सेस मेडिसिन, वही तो उसकी बंधु हैं। तो इस जगत की जो जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, वो संपत्ति क्या है, उसको हम फिक्स तो नहीं बोल सकते कि वो पैसा ही है, संपत्ति एक ऐसी वस्तु हो गई धन जो में व्यक्ति में रक्षा करता है, अगर वो रक्षा कर रहा है तो वो संपत्ति है, और नहीं कर रहा तो वही संपत्ति विपत्ति भी बन जाती है। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, उसके बेटे को किडनैप कर लिया, वो बोलते हैं कि ये तो धन जो मेरे लिए था, ये तो धन मेरे लिए अच्छा नहीं, ये धन तो मेरे लिए इतनी सारी विपत्तियां लेके आया, तो वहाँ पे वो धन रहा, वो तो धन रहा ही नहीं। तो वास्तविक में संपत्ति धन उसको बोलते हैं जो हमें विपत्ति से क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। अब प्रश्न है कि इस जगत की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, तो इस जगत की ऐसी कौन सी संपत्ति है जो हमें इस संसार की विपत्ति से रक्षा कर सकती है, इस जगत की तो कोई ऐसी संपत्ति है ही नहीं। तो इसका मतलब इस जगत की जो भी सारी संपत्तियां हैं वो मेरी, जो मेरी सबसे बड़ी विपत्ति है उससे मेरी रक्षा नहीं कर सकती, तो वो संपत्ति रह गई, वो तो संपत्ति रह नहीं गई। और जिसको मैं अभी संपत्ति मान के बैठा हूं, इसको समझो, जिसको मैं भी संपत्ति मान के बैठा हूँ और मैं अपना पूरा जीवन उस संपत्ति के लिए दे रहा हूँ कि हाँ ये धन जो है मेरे को मदद करेगा, लेकिन वो ही धन क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ी भगवान की प्राप्ति के लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, एक बाधा बन जाता है, तो वो सारा का सारा जो धन है वो क्या हो गया, विपत्ति का ही कारण हो गया। इसलिए जो धन प्रभु की सेवा में नहीं लगता, जो धन वैष्णव की सेवा में नहीं लगता, जो केवल अपने भोग विलास में लगता है, वो जो धन है उस धन को बोला कि वो धन क्या है, वो धन आपके लिए बहुत सारा कष्ट लेके आया। कैसे, इसको हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उदाहरण देके समझाते हैं कि इस संसार के जो भोग हैं, इस संसार के जो भोग हैं, अगर कोई भोग करना चाहते हैं तो भोग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले धन। बिना धन के कोई भोग कर सकता है, स्त्री भोग करना है तो धन चाहिए, मदिरा भोग करनी है तो धन चाहिए, जुआ खेलना है तो धन चाहिए, तो धन क्या हो गया, भोग की एक वस्तु हो गई। और लोग सोचते हैं मैं बहुत धनी बहुत भोग करूंगा, तो ये जो भोग की वस्तु हो गई धन, अब ये जो भोग करेगा, जिस धन को लेके उसने भोग किया, अब ये जो एक जीव आत्मा ने अनेक अनेक भोग किया, अब भोग से क्या होगा, भोग से क्या होता है, भोग से उसको नरक जाना पड़ेगा। तो जो पैसा था जो उसने भोग में लगाया, वही जो उसका भोग था वो क्या बन गया, वो उसका भोग एक दुख का बीज बन गया। समझ में आया, यानी कि इस संसार की जितनी भी भोग्य वस्तु है जिसको हम भोगते हैं, वो भोग भोग वो चीज़ क्या बन जाती है, हमारे दुख का एक बीज बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने सोचा चलो न्यू ईयर है, हम जाके वहाँ पे पार्टी करेंगे, और पार्टी करेंगे और क्या करेंगे, मदिरा पियेंगे। अब उसने मदिरा तो पान किया, कितने क्षण का सुख मिला, 2-4-5 मिनट का भोग किया। अब उस 2-4-5 मिनट के भोग के लिए उसने अपने दुख का बीज बो दिया ना, दुख का बीज क्या बो दिया, नरक जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को पैसा चाहिए तो उसने चोरी कर ली, अब चोरी करने के लिए उसको जो थोड़ा पैसा मिला, क्षणिक भर का पैसा मिला, अब जो क्षण भर का पैसा मिला उसके लिए उसको क्या होगा, चलो नरक भी नहीं भी जाना पड़ेगा, इस जगत में भी देखा जाए पुलिस वाले डंडे मारेंगे,
तो जो उसने भोग किया उस भोग का फल क्या मिल रहा है, पुलिस के डंडे खाने को मिल रहे हैं, तो वही भोग उसका दुख का बीज बना या नहीं बना? बना। तो इस संसार का जो धन है वास्तविक में वो धन नहीं है। धन किसको बोलते हैं? धन उसको बोलते हैं जो हमें हमेशा विपत्ति से रक्षा कर सके। फिर इसी श्लोक में आगे बोलते हैं, धर्म के जानी बे बंधु जीवने मरणे। लेकिन जो धर्म है, धर्म का अर्थ ही होता है प्रेम, इसको हम कई बार सुन चुके हैं। धर्म शब्द किससे बना है? धृ धातु से। धृ धातु का मतलब क्या होता है? धारण करना, जो वस्तु को धारण करती है। तो जितनी भी जीव आत्मा है उसको किसने धारण करके रखा? हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, धर्म होता है जो उसको धारण करके रखता है। जैसे उदाहरण दिया अग्नि, अग्नि को किसने धारण किया? उसकी दाहिका शक्ति ने। अगर अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति हटा दो, वो अग्नि रहेगी? वो तो अग्नि रहेगी नहीं। पॉइजन, विष, विष को किसने धारण करके रखा? उसके मारने की शक्ति ने। अगर उसमें से वो हटा दो तो वो पॉइजन ही नहीं रहा। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं सबका धर्म क्या है? सारी जीवात्मा को जिसने धारण करके रखा वो है प्रेम। बिना प्रेम के कोई जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो हम सबका जो वास्तविक धर्म है वो क्या हो गया? प्रेम। प्रेम। तो कहते हैं धर्म के जानी वे बंधु जीवने मरने। तो जो कृष्ण के प्रति, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है वो कैसा है? वो हमारा बंधु है, जन्म में भी मरण में भी। हमेशा का बंधु कौन हो गया? कृष्ण। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्ण माता कृष्ण प्रेता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण के लिए बोलते हैं कि आप हमारे धन के प्राण हो, आप हमारे बंधु हो। बोलते हैं ना भगवान को दीन बंधु। बंधु जो शब्द है वो भगवान के लिए रिजर्वड है, क्योंकि बंधु एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर विपत्ति में रक्षा कर सकता है। क्या हमारे माता पिता हर विपत्ति में रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ही एकमात्र जीवों के बंधु हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसके पास ये प्रेम रूपी धन नहीं है, जो वास्तविक में धन है, जो आपको सारी विपत्तियों से क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। तो वो व्यक्ति कैसा है? यहाँ पे दो उसके साथ विशेषता लगा दिया, उसका जीवन व्यर्थ है और वो क्या है? दरिद्र है। जिसके पास प्रेम की संपत्ति नहीं है वो क्या हो गया? दरिद्र और व्यर्थ, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। जैसे इस जगत में क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता तो लोग क्या बोलते? निकम्मा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, निठल्ला है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कुछ करता नहीं है, यही तो बोलते हैं। और जो व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? भाई इसका तो जन्म सफल हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमा लिए, तुम भी इसकी तरह बनो। पेरेंट्स ही बच्चों को बोलते हैं देखो ऐसा बनना, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना। तो एक दो शब्द हो गए, व्यर्थ और सार्थक। तो इस जगत में किसको लोग सार्थक समझते हैं? जिसने बहुत सारा धन कमाया उसको बोलते हैं इसने सार्थक कर लिया अपना जीवन। लेकिन नहीं, शास्त्र बोलते हैं जिसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है उसका जीवन कैसा है? व्यर्थ है, वो दरिद्र है। ये प्रेम रूपी धन कितनी ऊंची वस्तु है, देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे मठ में एक भक्त थे, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गए। अब जब दवाई लेने के लिए गए, उस दवाई का क्या हुआ, डॉक्टर ने कोई और दवाई दे दिया, किसी और का दवाई किसी और को दे दिया। अब इनके पास जो दवाई आया अपनी बीमारी के लिए, जैसे उस दवाई को खाया, दवाई को खाने के साथ साथ क्या हुआ, इनके मुख में से झाग निकलने लगा बहुत सारा, और झाग निकलने लगा, सांस एकदम से रुकने लगी। तो उस समय मठ में कोई था नहीं, एक पुजारी था। अब पुजारी जो था, दिन का समय था, ठाकुर जी का भी वो भोग लेके बाहर निकला ही था, और जो पुजारी मठ का था वो थोड़ा सा, उसका जो बुद्धि था, कईयों का होता है ना पूरा डेवलप नहीं होता, उसका थोड़ा सा हल्का सा कम था। तो उसने बस क्या किया, उसने देखा कि भाई ये तो मरने वाला है, अभी इसका इतना सांस फूल चुका है, मुंह से सारा झाग ही झाग बाहर निकल रहा है। तो उसको अपने गुरु का एक शब्द याद आया जो उसने कथा में सुन के रखा, कि जब कोई व्यक्ति मर रहा हो और उसके मुंह में बहुत सारा महाप्रसाद हो तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अभी उसके हाथ में ठाकुर जी की भोग की थाली है, लेके आया है, तो वो मर रहा है और वो कह रहे बचाओ बचाओ, पानी दो, कुछ दो। कह रहे पानी नहीं, पहले देखो रोटी सब्जी खिलाऊंगा। तो ठाकुर जी का भोग जो था उसमें पकौड़े हो गए, खीर हो गई, सब्जियां हो गई। ठाकुर जी को जो भोग लगता है 15-20 आइटम लगती है, वो ठूस ठूस के उसके मुंह में डालने लगा। अब उसका झाग निकल रहा है, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो उसको थप्पड़ मारता है, क्या नहीं खाना पड़ेगा, मरने से कम प्रसाद खा के मर। अब वो ये सोच रहे कि तो मर ही रहा है, कम से कम प्रसाद खाए। तो उसके मुंह में डालते 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 चार लोगों को खाना उसके मुंह में डाल दिया, अब वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। अब जब उसके मुंह में खाना जाता गया, वो जबरदस्ती चबा रहा है, नहीं चबाता तो उसको थप्पड़ पड़ता है, गले में अटक जाता है तो यहाँ से दबाना शुरू कर देता है कि नहीं इसके मुंह में अंदर डालना है सारा खाना, गला दबा दबा के अंदर डाल रहा है।
अब उतने में क्या हुआ, उसकी सांस वापस आ गई, जो झाग बन रहा था वो रुक गया और वो थोड़ा सा पूरा अपना कॉन्शियसनेस में आ गया। फिर उतने में और मटके लोग आए, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि गलती से दवाई जो इनके पास जिसने दिया, मैंने तो ठीक ही लिखा था, उसने इनको गलत दवाई दे दिया और उस दवाई से इनके उसमें एक रिएक्शन हो गया था, ये मर सकते थे, लेकिन इनके उसमें जैसे तुमने अनाज डाला तो पता नहीं क्या इसके अंदर गया कि वो रिएक्शन रुक गया और इसके प्राण बच गए। अब वहाँ पर उसका बंधु कौन बना, औषधि भी बनी नहीं, माता भी बनी नहीं, विद्या भी बनी नहीं, पुजारी भी बना नहीं, पुजारी उसका धर्म बना बंधु, उसके अपने कोई ना कोई धर्म थे जो उसको उसने वहाँ पे आके बचा लिया पुजारी के रूप में, है ना। तो इसलिए बताया कि जो औषधि जो भग जो हमारा धर्म है वो ही हमारा वास्तविक में बंधु है। तो जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है, जिसके पास ये धन है, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद संवाद में उनसे प्रश्न पूछा था कि इस जगत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो उन्होंने बोला था राधा कृष्ण प्रेम जार सही तो परम धनी, इस जगत में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है। अब इसको हम आगे समझते हैं कि जिसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है उसका जीवन कैसा है, व्यर्थ है। रावण का जीवन कैसा था, व्यर्थ, इतना कुछ होने पर भी वो दरिद्र था, उसके पास प्रेम नहीं था। लेकिन उसी का ही छोटा भाई विभीषण, वो बहुत धनी, उसके पास इतना सारा राम जी के प्रति प्रेम है, उसका जीवन कैसा हो गया, सार्थक हो गया। तो इस जगत में जिसको भगवान का प्रेम रूपी धन नहीं मिला, पहला तो उसका जीवन व्यर्थ और वो दरिद्र भी है। अब दरिद्र किसको कहते हैं, दरिद्र शब्द किसको कहते हैं, दरिद्र शब्द उसके लिए यूज होगा, मैं एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ, उस स्टोरी से फिर आप लोग बताना कि दरिद्र शब्द किसके लिए यूज होगा। एक गुरु के हाथ में एक सिक्का आया सोने का। अब जो उसके हाथ में सोने का सिक्का आया, चलते चलते शिष्य के साथ में जा रहा था, तो गुरु ने बोला शिष्य को कि इस सिक्के को तुम थोड़ा संभाल के रखो, आगे कोई अगर ऐसा व्यक्ति दिखेगा जिसके पास बहुत धन का अभाव होगा उसको सिक्का दे देंगे। थोड़ा आगे गए तो चल के देखा एक गरीब व्यक्ति बैठा है। शिष्य ने बोला गुरु जी सिक्का निकाल के इसको दे दूँ, बोले नहीं इससे भी ज़्यादा कोई और हो सकता है आगे मिले, अभी रुक जाओ। थोड़ा और आगे गए तो एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, बिल्कुल मरने वाला है। बोला गुरुजी इसको तो दे दूं, बोले नहीं हो सकता है आगे कोई और मिल जाए, इससे भी ज़्यादा जरूरतमंद, अभी रुक जाओ। जब और आगे गए तो राजा पालकी पे जा रहा था, बोले सिक्का मुझे दो, सिक्का लेके पालकी पे खींच के राजा के ऊपर फेंक दिया, बोले इसको ही देना पड़ेगा। तो शिष्य ने बोला कि दो अभी जो गरीब व्यक्ति मिले थे उनको दिया नहीं और राजा को दे रहे हो। तो गुरु बोला कि इससे बड़ा दरिद्र मुझे इस जगत में कोई नहीं दिखता, ये मुझे सबसे बड़ा दरिद्र नजर आता है। आप बताओ दरिद्र का मतलब क्या होता है, चल भी नहीं रहा पैदल, उसको तो 4 आदमी लेके जा रहे हैं। हाँ तो वो दरिद्र हो गया। ठीक है बात हुई, इसके पास प्रेम नहीं, प्रेम तो दोनों के पास भी नहीं था। अभी तो इस जगत की बात हो रही है ना, दरिद्र शब्द किसको बोलेंगे, जिसके पास धन का बहुत ज्यादा अभाव है। धन का बहुत ज़्यादा अभाव है का मतलब समझो, देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ और उसको फिर और समझने की चेष्टा करना। शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो शीला प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनके पास जागतिक रूप से 1 भी रुपया नहीं था। और शीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैंने जब अपने गुरुदेव को देखा तो मैंने देखा उनके पास धन का कोई अभाव ही नहीं है, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। और कह रहे हैं कि मैंने देखा उनके पास कोई धन का अभाव है ही नहीं। और राजा को ले क्या कह रहे हैं एक संत कि इसके पास धन का बहुत अभाव है। आप समझ में आया मतलब, उसको चाहिए नहीं। इसका मतलब समझो देखो, और थोड़ा डीप जाते हैं, जैसे मेरे को अगर खाना खिलाओगे तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मेरे सामने आप 50 आइटम भी रख दोगे तब भी मैं उसमें कमियाँ निकालूंगा, बोलूंगा और लेके आओ, 50 में से थोड़ा 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 खाऊंगा, फिर और खाता रहूंगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगर आप 2 रोटी खिला दोगे, 2 रोटी खा के बड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, अब उनमें से किसके पास खाने का अभाव है, ये दो व्यक्ति खान, देखो जेपी प्रभु जो है, जगन्नाथ प्रभु 2 रोटी खाने के बाद संतुष्ट हो गए, इनके पास जितना भी कुछ और आ रहा है इनको खाना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, 2 रोटी से इनका पेट भर गया। मेरे सामने 50 आइटम आ गई तब भी मैं खाता जा रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे और ला के दो। तो खाने का अभाव किसके पास हुआ, मेरे पास या इनके पास, मेरे पास तो बहुत सारा खाना है लेकिन तब भी मेरे पास अभाव है, क्यों, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इसको जैसे बोलते ना कि भूखड़ भैया इतना खाता है। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास धन की बहुत लालसा है उसके पास धन का उतना अभाव है, कहते थे ना संतुष्टि परम धन है। अब शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को धन चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए धन का अभाव क्या हुआ। जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी को
एक मणि मिल गया। कौन सा मणि? स्पर्श मणि। जिसको स्पर्श करेंगे सोना बना देंगे, उसको भी उन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसका मतलब उनके पास धन का अभाव है या नहीं है? उनके पास धन का अभाव ही नहीं है, उनके पास कुछ नहीं होने पर भी धन का अभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ऊंचा धन मिल गया। अब प्रश्न आती है कि स्पर्श मणि अगर कोई फेंक रहा है तो इसका मतलब उनके पास इससे ऊंचा तो कोई धन होगा ना, वरना स्पर्श मणि को कोई फेंक सकता है? कोई किसी में इतनी हिम्मत है कि स्पर्श मणि जैसी वस्तु को फेंक दे? उसको फेंकने के लिए क्या चाहिए? उससे ऊंची वस्तु चाहिए। अब उससे ऊंची वस्तु क्या है उनके पास? प्रेम धन। ये प्रेम धन सबसे ऊंचा धन है। और जिसके पास प्रेम धन नहीं है वो दरिद्र कैसे है? वो दरिद्र ऐसे है जब तक एक जीव को ये प्रेम धन नहीं मिलता तब तक इस संसार की सारी संपत्ति भी उसको मिल जाए तब भी उसका अभाव पूरा नहीं होता, वो दरिद्र ही रहता है। शिला गौर कृष्ण स्वामी जी महाराज जी को राधा कृष्ण मिल चुके हैं, उनकी सेवा में नियुक्त हैं, इसलिए उनके लिए इस जगत का कोई अभाव ही नहीं रह जाता। और जब तक एक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, प्रेम नहीं मिल जाता, उसको सारा जगत भी दे दो, इंद्र बना दो, ब्रह्मा बना दो, तब भी उसके लिए क्या रहेगा? अभाव रहेगा। नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए। तो इसलिए वो क्या हो गया? दरिद्र। जिसके पास जितना ज्यादा अभाव हो उतना बड़ा दरिद्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसको कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं मिलता उसका जीवन कैसा है? व्यर्थ है, व्यर्थ चला गया उसका जीवन, और वो कैसा है? बहुत दरिद्र है। शीला चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर जिनका नाम था श्रीधर, क्या नाम था? श्रीधर। उनको उनके नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया, खोल बेचा श्रीधर। खोल बेचा, खोल किसको बोलते हैं? बंगाल में जो केले का पेड़ होता है ना, केले का पेड़ एक ऐसी चीज है उसकी हर चीज बिकती है। तो वहाँ पे कुछ गरीब लोग होते हैं, यही काम करते हैं, केले का पेड़ खरीद लेंगे। और केले का पेड़ क्या होता है? एक बारी केला देगा, उसके बाद फिर वो केला नहीं देता फल, फिर वो पेड़ को पूरा काट के दूसरा पेड़ आएगा तो फिर केला आएगा। तो उस पेड़ को क्या करते हैं? पूरा का पूरा काट देते हैं। और कुछ लोग उस पेड़ को खरीद के फिर उसको बिजनेस करते हैं, उसमें क्या करते हैं? केला बेचते हैं, केले के पेड़ के पत्ते बेचते हैं। पत्ते किस काम आते हैं? खाना खाने के काम आते हैं। उसका जो फूल होता है, फूल किस काम आता है? सब्जी बनती है, मोचा की सब्जी बनती है। खाई किसी ने कभी? आपने तो खाई होगी, बंगाल में, नवदीप में, है ना, बंगाल। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है मोचा की। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था बंगाल में तो बहुत अच्छा लगा, तब समझ भी नहीं आया किस चीज़ के। फिर उन्होंने बताया केले के पेड़ का जो फूल होता है उसका, फिर उसका जो रूट है वो भी किसी काम आता है, फिर उसकी जो जो ट्रंक है वो ट्रंक भी किसी काम का आता है। तो उसका पूरा का पूरा पेड़ को बेचा जाता है। तो जो महाप्रभु के परिकर थे श्रीधर, ये क्या करते थे? नवदीप में रह के इसको बेचते थे। किसको? इस केले के पेड़ को बेचते थे, इसलिए उनका नाम हो गया खोल बेचा श्रीधर, जो खोल बेचते हैं। खोल का मतलब हो गया पेड़, केले के पेड़ की जो ट्रंक होती है उसको खोल बोलते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जब उनका संन्यास नहीं हुआ, जब वो निमाई है, बहुत चंचल है, और वो चंचलता करने के लिए क्या करते थे? सबके जैसे जो उदंड बालक होता है वो क्या करता है? उसको चाहिए कि कोई ना कोई व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं उदंड कर सकूं, जिसको मैं छेड़ सकूं। तो वो सबको छेड़ते थे, वो श्रीधर को बहुत छेड़ते थे, उनके पास आ गए उनको छेड़ने के लिए। और अपनी चंचलता तो किसी ना किसी के साथ करनी है, और भगवान अपनी चंचलता किसके साथ करेंगे? भक्तों के साथ करेंगे, हमारे साथ थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे जब श्रीधर के पास पहुँचे तो उनको क्या बोलते हैं महाप्रभु? उनको बोल रहे हैं श्रीधर एक बात बताओ, वो बहुत गरीब थे, श्रीधर एक बात बताओ, तुम पूरा दिन विष्णु विष्णु हरि हरि करते रहते हो, तुम विष्णु के भक्त हो, तो तुम्हारे जो भगवान है विष्णु वो तो लक्ष्मी के पति हैं, तो लक्ष्मी के पति हैं, उनके पास क्या धन का कोई अभाव है? तुम उनके भक्त हो, क्या तुम्हें थोड़ा धन दे नहीं सकते? तुम्हारी स्थिति देखो कैसी स्थिति है, ना तुम्हारे पास खाने को है, ना तुम्हारे पास पहनने को है। तुमसे अच्छे तो नवदीप के और लोग हैं जो काली और चंडी का पूजन करते हैं, काली और चंडी के भक्तों को देखो कितना धन होता है उनके पास, कितना आराम से कैसा जीवन जीते हैं। तो तुम इनकी भक्ति छोड़ दो और किसकी भक्ति करो? काली चंडी की भक्ति करो। तो वहां पे श्रीधर उनको बोलते हैं महाप्रभु को कि देखो, अब देखो भक्त कितने संतुष्ट होते हैं, भक्त कितने संतुष्ट होते हैं, देखो वो कहते हैं देखो भगवान ने मुझे भूखा तो नहीं मारा ना, अभी तक तो मैं जी रहा हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं भूखा मर गया, जैसे चाहे मेरा आधा पेट भरे लेकिन कम से कम जीवित तो हूं, तो मेरे को प्रभु ने जीवित तो रखा है। उसके बाद कहते हैं देखो
तुम कहते हो तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, कम से कम मेरा तन ढका तो हुआ है जैसे तैसे, चाहे मेरे कपड़े फटे हों। तो महाप्रभु बोले तुम्हारे कपड़े में 10 जगह तो गांठ बंधी हुई है। उनके कपड़े ऐसे थे जैसे फट जाते तो गांठ बांध लेते हैं ना, उनके कपड़े में 10 जगह पे गांठ बांध के रखा। तो बोले ये कोई कपड़े हैं जो तुमने पहन के रखे, और तुम कह रहे हो कि जीता ही हूँ तो भगवान ने मुझे जीवित रखा। तो भाई ऐसा भी जीवित रखना होता है क्या कि तुम अच्छी तरह कुछ खा भी नहीं पाते? तो फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कह रहे हैं देखो राजा अपने राजमहल में रह के जैसे तैसे अपना समय को काट देता है, एक पक्षी अपने घोंसले में रह के वो भी अपने परिवार के साथ जैसे तैसे अपने समय को काट देता है, इस जगत में सब लोग क्या कर रहे हैं, समय ही तो काट रहे हैं, और जब समय कट जाता है तो क्या पता कैसा था कैसा नहीं था, समय ही तो काटना है, तो मेरा समय तो बहुत अच्छा कट ही जाता है। तो राजा के जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है अगर दोनों भजन नहीं करते, वो भी वही करता है। तो महाप्रभु बोले चलो छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम कितने चतुर हो। उसमें महाप्रभु ने ना बड़े अच्छे अच्छे प्यार बोले हैं बंगला के। प्रभु बोले जानी तुम परम चतुर, खोला बेचे अर्थ तुम्हार अच्छा ए प्रचुर। मैं जानता हूँ कि तुम केले के बेच के ना बहुत पैसे कमा चुके हो, लेकिन तुम क्या करते हो उसको छुपा के रखते हो, और तुम बाहर से दिखाते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ। जैसे इस जगत में होते ना, अगर कोई बहुत अमीर हो तो अपने पैसे को छुपा के रखते हैं, भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत धन पड़ा है, और जो तुम्हारा धन पड़ा है ना, समय आने पे मैं तुम्हारा सारा का सारा धन पूरे जगत को दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास कितना धन है। अभी तो तुम जो ये केले वेले बेच रहे हो थोड़े मुझे दे दो। तो अब वो कैसे थे, वो इतने सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज जी की तरह थे कि जो एक बारी उन्होंने केले का रेट बोल दिया, पत्ते का रेट बोल दिया, खोल का रेट बोल दिया, वो जो उनका रेट होता था वो जैसे आज के दुकानदार होते हैं वैसा नहीं होता था, 10 का 8 ले लो 7 ले लो, नहीं, वो जो रेट बोलते थे उनका एक ही रेट, और उस रेट के अंदर उनको बहुत कम पैसा बचता था, उससे कम अगर बेचेंगे तो उनको लाभ होगा नहीं, तो वो जो रेट बोलेंगे उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा। और सारे लोग जानते थे कि ये बहुत जो व्यक्ति हैं बहुत ईमानदार हैं और ये इनका रेट ठीक है। तो महाप्रभु उनको बोलते थे नहीं मैं इतना पैसा तुम्हें दूंगा नहीं। तो महाप्रभु उनके साथ क्या करते थे, छीना छपटी कैसे करते थे, अगर बोला 10 रुपये 5 रुपये दे देंगे और उठा के लेके भागेंगे, वो उनके पीछे पीछे भागेंगे, नहीं मैं दूंगा नहीं, और खींच के लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, इनका नियम था कि जो अपना बेचेंगे, बेचने के बाद जितना मुनाफा हुआ उस मुनाफे में से आधा पैसा गंगा देवी की सेवा में लगा देंगे, आधा पैसा क्या करेंगे गंगा देवी की पूजा में लगा देंगे, बाकी का जो आधा पैसा बचा उससे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और अपना जब जीवन निर्वाह करेंगे रात के समय, क्योंकि दिन में तो समय किसमें चला गया, बिजनेस में चला गया, अब रात को क्या करते थे, उच्च स्वर से अर्धरात्रि भी नहीं, वहाँ पे बताया 4 पहर की रात्रि तक, यानी कि लगभग सुबह के 3 या 4 बजे तक अपने कमरे में बैठ के तेज तेज की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च स्वर से रात भर कीर्तन करेंगे, हरी हरी बोलेंगे और विष्णु का नाम लेंगे, भगवान के अनेक नाम लेंगे, मुकुंद माधव हरी अनेक नाम लेंगे। तो जो आसपास के जो भक्त जो नहीं थे, जो चंडी और उनके भक्त थे, वो इनके प्रति दोष करते थे कि देखो कैसा इसका जीवन है, हाय भगवान ऐसा जीवन किसी को ना दे, कितना इसका जीवन है, पूरा दिन मेहनत करता है और पूरा दिन मेहनत करने के बाद 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता बेचारा, और क्योंकि रात भर जब तक रात को खाना नहीं खाओगे नींद आएगी नहीं, पेट खा लिए तो नींद आएगा नहीं। क्या खाते हैं, वो केवल भात खाते थे जो चावल होता है, और थोड़ा सा भात खाता है और वो भी इसको पेट भर के मिलता नहीं है, इसलिए पूरी रात क्या करता है, रोता रहता है। अब जो प्रेमी भक्त भगवान का नाम लेंगे तो साथ में क्या करेंगे, रोएंगे भी। अब वो इसलिए थोड़ी ना रो रहे कि पेट नहीं भरा, वो किस लिए रो रहे हैं, क्योंकि प्रेम धनी है, प्रेम से रो रहे हैं। तो सब लोग बोलते थे देखो कैसा जीवन है, भगवान ऐसा जीवन किसी को ना मिले, पूरी रात रोता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, दिन में 2-4 मुश्किल से पैसे कमाता है, वो भी गंगा जी के उसमें स्वाहा कर देता है, लेकिन ये अपने जीवन से कैसे हैं, बड़े संतुष्ट हैं, इनको कोई अभाव ही नहीं है, क्योंकि इनको क्या मिल गया, प्रेम धन मिल गया है। अब इसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु इनको बोल रहे हैं कि तुम मुझे कुछ दो, ये देते नहीं हैं। तो इन्होंने देखा कि भैया तो बहुत चंचल बालक है,
ठीक है। अब उन्होंने महाप्रभु उनको बोले, निमाई बोले कि तुम एक बात बताओ, तुम गंगा की पूजा में अपना आधा धन दे सकते हो, तुम अपना आधा धन क्या करते हो गंगा की पूजा में देते हो, तो अगर मैं तुमसे कोई वस्तु ले रहा हूँ फ्री में तो नहीं ले रहा ना, आधे पैसे तो दे रहा हूँ, आधा मूल्य तो दे रहा हूँ, आधा मूल्य लेके मुझे दे दो, क्या फर्क पड़ता है। और तुम जानते हो गंगा कौन है, गंगा मेरी दासी है और गंगा का मैं पति हूँ, गंगा की जितनी महिमा है मेरे कारण है, वरना गंगा को कोई पूछता ही नहीं। तो जैसे उन्होंने गंगा जी के बारे में ऐसे सुना, वो तो उनकी इष्ट, तो अपने कान को हाथ लगा के विष्णु विष्णु विष्णु, बच्चे कैसी बातें करते हो, उनको थोड़ा सा डांटने लगे। अब महाप्रभु फिर और उदंड हो गए, तो उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत उदंड बालक है, अगर इसका ज़्यादा मुँह लगाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि अपना गुस्सा मेरे पे निकाल के मेरा हाथ पैर तोड़ दे, मेरा नाकमुख तोड़ दे, मेरे से लड़ बैठे। तो वो डर के कारण क्या करते थे, जो भी महाप्रभु उनसे खींच के लेते थे उनको दे देते थे कि ठीक है भैया तुम ले जाओ, किसी प्रकार से छुटकारा तो हुआ। और ऐसे महाप्रभु रोज उनके पास आते थे, रोज उनसे क्या करते थे, झगड़ते थे, और ये रोज उनको देते थे, और ये समझ ही नहीं पाते थे कि मेरे प्रभु हैं, क्योंकि भगवान अभी अपने आप को व्यक्त करना ही नहीं चाहते उनके सामने। लेकिन ऐसा होने पर भी एक और क्या, एक तो वो ये नहीं समझ पा रहे मेरे प्रभु हैं, लेकिन है तो उनके प्रभु ना, इसलिए वो उनके ऊपर रुष्ट भी नहीं होते थे। यानी कि जैसे अगर हमारे साथ कोई जीना चपटी करे तो हम क्या होंगे, थोड़ा बहुत तो रुष्ट होंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन उसको उसमें भी आनंद आता था। जब ये उनके दर्शन करते थे, उनके दर्शन मात्र से इनको इतना आनंद आता था कि उनको दर्शन तो करते थे और उनको सब अपना लुटा भी देते थे। और दर्शन पे के बाद जब महाप्रभु चले गए, निमाई चले गए, उन्हीं का ही स्मरण करते रहते थे कि कितना सुंदर था, कैसे उसकी केश थे, कैसे उनके वस्त्र थे। उसने बताया कि जब महाप्रभु वो धारण करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, तो जब वो यज्ञोपवीत धारण करते थे कैसे उनके अजामुन उनके हाथ हैं, उनके लंबे हाथ हैं, उनके पूरा रूप का वर्णन वो उसी के में ही चिंतन करते रहते थे। तो यहाँ पे एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने जब गया गए, और गया से आने के बाद जब वो भावुक निमाई हो गए, यानी कि अब वो अपने गुरु से हरिनाम लेके आए हैं, और गुरु से हरिनाम लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने अपनी चंचलता छोड़ दी, अब क्या करते हैं, सब भक्तों की सेवा करते हैं। पहले गंगा के तट पे जाके सब भक्तों को परेशान करते थे, अब उन्हीं भक्तों की सबकी सेवा करते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने आगे, इसमें तो बहुत विस्तृत वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु की एक लीला आती है जिसमें महाप्रभु ने 21 घंटे तक, सात पहर मतलब होता है 21 घंटे लगभग, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने 21 घंटे अपना ऐश्वर्य प्रकट किया था, जिसमें क्योंकि महाप्रभु स्वयं राधा जी के भाव लेके आए हैं, तो भक्त भाव को उन्होंने अंगीकार किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अपना जो उनका कृष्ण स्वरूप है, जो उनका भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप को भी प्रदर्शित करते थे। जैसे कभी उन्होंने क्या दिखा दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही वरा हूँ, इतने सारे उन्होंने अवतार दिखाए। और कभी क्या दिखाते हैं कि दासोऽस्मि, मैं तो भगवान का दास हूँ, भक्तों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लेते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर में एक लीला प्रदर्शित करी थी जिसमें उन्होंने 21 घंटे तक विष्णु के सिंहासन पर बैठ के अपना विष्णु रूप के रूप में सब भक्तों को बुलाया था, और सब भक्तों को बुला के उन्होंने उनकी जो जो इच्छाएं हैं पूर्ण करी थी। जो उनको राम के रूप में देखना चाहता है उनको राम के रूप में दर्शन दिए, जो उनको कृष्ण बलराम के रूप में देखना चाहता है उनको गोप कुमार में दर्शन दिए, सबको अनेक अनेक दर्शन दिए। तो श्रीधर चैतन्य महाप्रभु को बार बार बोलते थे कि तुम तो ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में तुम व्यक्ति हो और विष्णु के अंश हैं, जो ब्राह्मण होते हैं विष्णु के अंश माने जाते हैं, तब भी तुम इतनी चंचलता करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई जब थे उनको क्या बोलते थे, नहीं नहीं तुम्हें ऐसे लगता है मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं गोप हूँ, समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं ब्राह्मण नहीं मैं गोप हूँ। तो आज जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना वो वाला रूप प्रदर्शित किया जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने वहाँ पे अपने सब भक्तों का एक एक करके नाम ले रहे थे, अद्वैताचार्य को बुला के लाओ, इनको बुला के लाओ, सब भक्तों का नाम ले रहे थे। तो उसी में जब उन्होंने श्रीधर का नाम लिया कि मेरा जो भक्त है श्रीधर उसको बुला के लाओ, तो वहाँ पे सब भक्तों ने बोला हम कैसे पहचाने श्रीधर है कौन। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाके देखो नगर में जो भी उच्च स्वर से मेरा नाम ले रहा है समझ लेना वो ही श्रीधर है, और उसको पकड़ के मेरे पास लेके आ जाना। तो भक्त लोग भागे, दो
महाप्रभु का आदेश है और ढूंढ रहे हैं कि कौन है श्रीधर। जैसे ही थोड़ा आगे गए तो देखा एक व्यक्ति उच्च स्वर से भगवान का नाम कर रहा है, समझ के यही श्रीधर है और उनको जाके बोला चलो आपको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई जिसके साथ मैं लड़ाई झगड़ा करता था वो तो मेरे प्रभु निकले और अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी लीला प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी लीला को प्रकट करके सबको दिखा रहे हैं कि मैं ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हूँ। तो इतना ही सुन के उनका प्रेम उदय हो गया और वहीं पर वो मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो इन दोनों ने क्या किया, उनको मूर्छित अवस्था में ही उठा के महाप्रभु के सामने ले आए। जब महाप्रभु के सामने लेके आए तो महाप्रभु ने जब उनको देखा, श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हईला, आसी आसी बली डाकी ते लागीला। जब श्रीधर उनके सामने आए तो महाप्रभु उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए, ये भी प्रसन्न हुए और क्या कह रहे हैं, आई से मतलब आओ आओ मेरे पास आओ, श्रीधर को अपने पास बुला रहे हैं। और अपने पास बुलाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर को सारा, जो भी मैंने आपको पूरा वृतांत बताया ना, श्रीधर का पूरा वृतांत सारे भक्तों को बताया कि ये कैसे भगवान के भक्त हैं, कैसे गंगा की सेवा करते हैं। सारे भक्तों को श्रीधर के बारे में अवगत किया और अवगत करने के बाद उनको बोल रहे हैं कि तुम मेरी कोई स्तुति करो, भगवान है ना तो भक्त को क्या बोल रहे, मेरी स्तुति करो। प्रभु बले श्रीधर आमारे कर स्तुति, श्रीधर बले प्रभु मुई मूढ़ माती। श्रीधर तुम मेरी स्तुति करो। और श्रीधर क्या कहते हैं, प्रभु मैं तो मूढ़ मती हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान ने अपनी सरस्वती जो है उनकी सेवा करती हैं, तो सरस्वती उसी समय उनकी जीवा पे आ गई और उनकी जीवा पे सरस्वती आने के साथ साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बहुत गुण गाए। क्या कि श्रीधर उसमें बोलते हैं कि तुम ही योग हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शास्त्र, तुम ही वेद, तुम ही सर्व ध्यान, तुम ही सिद्धि, तुम ही रिद्धि, तुम ही भोग योग, तुम ही श्रद्धा, तुम ही दया, तुम ही मोह लोभ, तुम ही इंद्र, तुम ही चंद्र, तुम ही अग्नि जल, तुम ही सूर्य, तुम ही वायु, तुम ही धन बल, तुम ही भक्ति, तुम ही मुक्ति, तुम ही अज भव, तुम ही वा हैबे केन तुमार ये सब, पूर्व मोर स्थाने तुम ही अपने बलीला। कह रहे हैं कि आप ही भक्ति हो, आप ही चंद्र हो, आप ही अग्नि हो, आप ही सूर्य हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही शिव हो। फिर बाद में कह रहे हैं नहीं नहीं आप ये सब नहीं हो, ये सब आपके हैं। समझ में आया कि आप ये सब नहीं, ये सब आपके हैं। जब उनकी स्तुति गान कर रहे थे तो वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गोप रूप के दर्शन कराए कि मैं कृष्ण हूँ, मेरे दाईं ओर कौन खड़े हैं, बलराम जी खड़े हैं, और मेरे सामने कौन खड़े हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी खड़के मेरी स्तुति गा रहे हैं, और एक तरफ बहुत सारी अप्सराएं खड़ी हैं, देवता खड़े हैं, वो सब भी मेरी स्तुति गान कर रहे हैं, जितने दिक्पाल हैं सब खड़े होकर मेरी स्तुति गान कर रहे हैं, एक तरफ चतुसन जो सनक सनंदन आदि हैं वो सब हाथ में खड़े होके हाथ जोड़ के उनके सामने उनकी स्तुति गान कर रहे हैं, नारद और कितने सारे ऋषि मुनि आके उनकी सब स्तुति गान कर रहे हैं। उन्होंने इस लीला के दर्शन करे, इस लीला के दर्शन करने के बाद प्रायः वो फिर से ही मूर्छित हो गए कि मैं देख क्या रहा हूँ, कि अभी तो महाप्रभु के रूप में थे, अभी कृष्ण बलराम के रूप में हैं, और इतने सारे देवता कहाँ से आ गए, ब्रह्मा शिव कहाँ से आ गए, कहाँ से लक्ष्मी जी आ गए, उनकी सारी स्तुतियाँ गान कर रहे हैं। तो भगवान ने उनको अपने ऐश्वर्य के दर्शन कराए। अब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की जब इन्होंने स्तुति गान करी तो आगे बड़ा अच्छा कह रहे हैं, श्रीधर कहते हैं कि पहले तो आपने गोकुल को धन्य किया था, अभी आपने नवदीप धाम को धन्य किया है, और आप कैसे हैं, भक्ति योगे भीष्म तोमा जिनी लस्मरे, भक्ति योगे यशोदा बंदी ल तोमारे, भक्ति योगे तोमारे बेची ल सत्य भामा, भक्ति वश तुमी कांदे केला गोप रामा। कह रहे हैं भक्ति के वश में ही सत्य भामा ने एक दिन आपको बेच दिया था। आप लोगों ने शायद ये द्वारका की कथा सुनी होगी, विस्तृत नहीं जाएंगे कि कैसे भक्ति के बल से आपको सत्य भामा ने ही बेच दिया, भक्ति के बल से ही कैसे यशोदा जी ने आपको बंधन में बांध लिया, भक्ति के बल से ही कैसे भीष्म पितामह युद्ध में भी आपसे जीत गए, कैसे भक्ति के बल में ही आपके जो सखा है वो आपके कंधे पे चढ़ जाते हैं, आप ऐसे हो जिनके अंदर सारा का सारा ब्रह्मांड स्थित है, लेकिन भक्ति के बल से क्या होता है, सखा भी आपके ऊपर चरण रख के बैठ जाता है। तो ये जो भक्ति है भगवान, मैं समझ गया
कि आप शक्तिशाली नहीं हो, आपसे भी बढ़कर आपकी एक शक्ति है, वो क्या है? भक्ति। जिस भक्ति ने आपको क्या करा है? बांध के रखा है। और इसी भक्ति को भक्त लोग क्या करते हैं? अपने हृदय में छुपा के रखते हैं। ये सबसे बड़ा धन, प्रेम धन बता रहे थे ना, ये इतना बड़ा धन जो भगवान से सब कुछ करवा देता है। जिसके पास भक्ति का धन होता है वो भगवान को भी क्या करता है? बांध लेता है। जैसे हम पहले सुनते थे ना अलादीन का चिराग, उसमें क्या होता था, अलादीन को आप बंदी बना लेते थे, जो बोलोगे वो उसको करना पड़ेगा। हम सुनते थे ना बचपन में, हुक्म मेरे आका, कि आप हुक्म करो हम करेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान भी क्या होते हैं, भक्त के आगे हुक्म मेरे आका, कि जो आप बोलोगे हमें करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि ये आपकी भक्ति कैसी है, जो आपको भी बिकवा देती है, उनको भी तो बेच दिया। और ये जो भक्ति है, ये जो भक्तों का धन था, उन्होंने इसको छुपा के रखा, लेकिन अब वो आपका जो भक्ति रूपी धन है वो छुपने वाला नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन ने, ये क्या है, ये नवदीप है। वृंदावन में तो फिर भी हो सकता है भक्त उसको छुपा लें, लेकिन नवदीप में तो सारे भक्त उस भक्ति को दान कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्ति को दान किया है। तो अब मैं आपकी भक्ति रूपी जो धन है उसको मैं समझ चुका हूँ, जो आपका प्रेम धन है जिससे आप बनते हो, और उस प्रेम धन से अब मैं आपको भी क्या करने वाला हूँ, बांधने वाला हूँ। भक्ति वशे तुमी कांधे के लागो परामा, अनंत ब्रह्मांड कोटि भये जार माने। तो कह रहे हैं कि अब मैं तो समझ चुका हूं कि भक्ति से मैं आपको बांधने वाला हूं, ये इतना ऊंचा प्रेम धन है। कहते हैं भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि सयाद, देवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलित आंजलि सेवते, धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। कहते हैं कि देखो, जिसके पास भक्ति होती है, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि सयाद, अगर आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है तो क्या होगा, दिव्य किशोर मूर्ति, आपको एक तरफ भगवान की किशोर मूर्ति के दर्शन होंगे, और दूसरी तरफ क्या नजर होगा, मुक्ति स्वयं मुकुलित आंजलि सेवते, मुक्ति ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होगी, हाथ जोड़ के। धर्म अर्थ काम गत्या समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम जिसके लिए सारी दुनिया भागती है, ये धर्म अर्थ काम और मुक्ति सब हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं बताओ, भक्त लोग क्या करते हैं? नहीं, नवदीप में बताया, नवदीप धाम महात्म्य में बताते हैं भक्ति वरु ठाकुर जी, भक्त लोग क्या करते हैं, जब उनके सामने धर्म अर्थ काम अष्ट सिद्धियां हाथ जोड़ के आ जाती है ना, तो अपनी पैर की ठोड़ी से उसको मारते हैं। जैसे होता है ना, पैर की ठोड़ी किसी को मार देते हैं, वो पैर की ठोड़ी से उसको मार देते हैं, भाग जाए यहाँ से, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो, वही वाली बात आ गई ना, जिसको ऊंचा धन मिल गया वो नीचे धन को क्या करेगा, फेंक देगा। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के हाथ में एक छोटी सी एक एक लेयर्स की टॉफी है, वो देगा नहीं, रोएगा, उसके हाथ में चॉकलेट दे दो टॉफी फेंक देगा, देखा है बच्चे को। तो उसी प्रकार से जब किसी को कृष्ण प्रेम धन मिल जाता है, वो क्या करता है, सब चीजों को फेंक देता है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, प्रभु बोले श्रीधर बाची या माघवर, अष्ट सिद्धि दीमु आजी तोमार गोचर। अब जब महाप्रभु ने उनको अपना अष्ट दर्शन कराया, तो उन्होंने देखा कि सब सारे देवी देवता जब उनकी स्तुति गा रहे हैं, तो वहाँ पे अष्ट सिद्धियां भी खड़ी हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं श्रीधर को, आज तुम मेरे से वर मांग लो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां देने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हूँ, सामने ही खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं, आपके पास आना चाहती हैं। तो श्रीधर क्या कहते हैं, श्रीधर बलेन प्रभु आरे भड़ाईवा, थाक निश्चित तुमी आर ना परीवा। कह रहे हैं प्रभु, आप क्या मुझे अपने आप को बुलाना चाहते हो, अब यहाँ पे आपकी ठकुराई चलने वाली नहीं है, आप अपना जान चलाने सिक्का चलाते हो, मेरे सामने आपका सिक्का चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि जिसको भक्ति मिल जाती है उसके सामने तो ये हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, और अगर मैंने इसको ले लिया तो मैं आपको भूल जाऊंगा, इसलिए अपनी चतुराई मेरे सामने ज्यादा दिखाओ मत। फिर कहते हैं, प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नाए, अवश्य पाई बाबर जई चित लाए। लेकिन मेरा जो दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हें कोई ना कोई वर तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो मांगो। तो वो क्या मांगते हैं श्रीधर, वो कहते हैं महाप्रभु को कि अगर आपने मुझे वर देना है, एक ही वर दो। क्या वर दो? मुझे एक ही वर दो कि जन्म जन्म में जो ब्राह्मण पुत्र निमाई था
जो मेरे पास आके लड़ाई झगड़ा करता था और झगड़ के मेरे यहाँ से क्या लेके जाता था, केले खोल पत्ते ये सब लेके जाता था, जन्म जन्म में वो जो ब्राह्मण है वो मेरा प्रभु हो, जन्म जन्म में वो ही मेरा प्रभु बने और मेरे को और कुछ वर नहीं चाहिए। उन्होंने उनसे और कुछ नहीं मांगा। जब उन्होंने ये वर मांगा तो जितने भक्त थे वहाँ सब क्रंदन करने लगे कि कैसी इनकी भक्ति है, ये केवल ये मांग रहे हैं कि मैं जन्म जन्म में प्रभु को अपने हाथों से केला खिलाते रहूं, खोल देते रहूं, क्योंकि खोल किस काम आता है, खोल काम आता है खाना खाने के, जैसे हम पत्तल यूज करते हैं ना, तो खोल एक ढूने का काम करता है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति जो भोजन करते थे श्रीधर के खोल में ही भोजन करते थे, तो देखो उनका कितना सौभाग्य। और ये महाप्रभु को एक वस्तु और देते थे, लोकी होती है ना लोकी, ये महाप्रभु कभी इनसे लोकी खींच के लेके जाते थे और अपनी मैया को जाके देते थे, माँ मैं लोकी लेके आया हूँ, उसकी मुझे खीर बना दे, लोकी की खीर बहुत सुंदर होती है, और कभी हुआ तो बनाएंगे लोकी की खीर। और जिस दिन महाप्रभु का संन्यास होगा, मतलब महाप्रभु कल संन्यास लेंगे, उन्होंने निश्चित कर लिया, संन्यास से एक दिन पहले भी श्रीधर के हाथ से ही क्या लेके आए थे, लोकी लेके आए थे, और उस लोकी से मैया को बोल के बोला था खीर बना के दो, क्यों, क्योंकि उनकी वस्तु आज सेवा में लग गई तो लग गई, नहीं तो कल तो संन्यास लूंगा लगेगी नहीं, तो आज ही उनकी सेवा को, उनकी वस्तु को सेवा में लगाना है। तो वहां पर उन्होंने ये मांगा कि जन्म जन्म में आप ही मेरे प्रभु बनो और मैं आपकी सेवा करते रहूं। फिर उसके आगे बोलते हैं महाप्रभु, बोलते हैं चलो ये तो हो गया, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर, कह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर बना देता हूँ, एक बहुत बड़ा महाराजा बना देता हूँ, एक बहुत बड़ा तुम्हें राज्य देता हूँ, मैं तुम्हें उसका एक ईश्वर बना देता हूँ। श्रीधर बले मुई किचू ना चाई, हेन कर प्रभु जेन मोर नाम गाई, प्रभु मुझे सच्ची में कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो इतना ही दो कि मैं निरंतर आपका नाम लेता रहूं, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहते हैं प्रभु बले श्रीधर आमार तुमी दास, एतक देखिला तुमी आमार प्रकाश, एते के तुमार मति भेद ना हईल, वेद गोपे भक्ति योग तोरे आमी दील। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देखो तुमने मेरा इतना बड़ा वैभव का प्रकाश देखा, और इस जगत में क्या होता है, अगर आप कुछ बहुत बड़ा वैभव देखो तो हमारे हृदय में क्या होता है, अरे काश ही मेरे पास भी हो, होता है ना, लेकिन इतना बड़ा वैभव का प्रकाश देखने के बाद भी तुम्हारे हृदय में उसके प्रति लेश मात्र भी तृष्णा नहीं जागी, इसलिए अब मैं तुम्हें क्या दूंगा। देखो पहले भगवान ने पूरा टेस्ट ले लिया, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर लास्ट में क्या कह रहे, क्या दूंगा, अब मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा धन देने वाला हूं, जो वेदों के लिए भी गोप्य है, जो वेद है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, वेद में भी प्रेम की बात जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो बहुत गोपनीय वस्तु। तो महाप्रभु कह रहे हैं अब मैं तुम्हें अपनी सबसे गोपनीय वस्तु देने वाला हूं, वो क्या है, प्रेम भक्ति योग, जो मैंने आज तक सबको दिया नहीं, केवल मेरे जो भक्त है वो ही इसके अधिकारी है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, केवल श्रद्धावान जन ही उसके अधिकारी है। अब जब जब उनको उन्होंने प्रेम धन दिया, उसके बाद कहते हैं कि वो प्रेम धन कैसा है जो महाप्रभु ने उनको दिया, उसके लिए बताया कला मूल बेचिया श्रीधर पाइला जाहा, कोटि कल्पे कोटि ईश्वर ना देखिया ताहा। कह रहे हैं केले बेचने वाले जो केला बेचते थे, कला मूल बेचिया श्रीधर पाइला जाहा, जो केले का कंदमूल आदि बेचते हैं, उन श्रीधर को जो वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने दे दी वो वस्तु क्या है, देखो ये प्रेम धन जो बता रहे थे ना, धन क्या होता है, वो वस्तु क्या है, कोटि कल्पे कोटि ईश्वर ना देखी ताहा, कोटि कोटि कल्प में कोटि कोटि ईश्वर भी उस वस्तु को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। अब कल्प किसे कहते हैं, कोई बता सकता है, कल्प कहते हैं सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग चतुर्युग, ये जो चार युग हैं, इन चार युगों को अगर जोड़ दो तो क्या बनता है, एक कल्प नहीं बनता, एक चतुर्युग बनता है, इसको महायुग भी, युग महायुग बोल सकते हैं, महायुग। तो एक महायुग की आयु कितनी होती है, 43,20,000, और कल्प क्या होता है, ऐसे 1000, यानी कि 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग, ये मिला के बनता है एक कल्प। तो एक कल्प की आयु क्या हो गई, 43,20,000 × 1,000, 43,20,000 × 1,000 क्या हो गया, एक कल्प। कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं कोटि कल्प, कोटि कल्प का मतलब कितना हो गया, 1 करोड़, 1 करोड़ कल्प,
अब देखो धन, देखो हम कहते हैं ना कि यार ये बहुत धनी है, इसके पास 1,00,000 करोड़ है, इसके पास 2,00,000 करोड़ है, इसके पास 10,00,000 करोड़ है। अब कंपेयर करो इस संसार के धन को जो महाप्रभु ने उसको दिया उससे कंपेयर करो, तब पता चलेगा धन किसे कहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रीधर जो मैंने तुम्हें वस्तु दी है कोटि कल्प मतलब हो गया करोड़ों कल्प, करोड़ों कल्प का मतलब हो गया कितने कितने ब्रह्मा चले जाएंगे, कतो ब्रह्मा कतो इंद्र सब चले जाएंगे। कोटि कल्प में जितने भी अभी तक ईश्वर हुए हैं, यहाँ पे ईश्वर का अर्थ है जितने बड़े बड़े ईश्वर, मतलब छोटे मोटे टाटा बिरला नहीं, यहाँ पे ईश्वर का मतलब है जितने कुबेर हुए हैं, जितने इंद्र हुए हैं, जितने ब्रह्मा हुए हैं, ये जितने बड़े बड़े देवताओं के पास भी जो संपत्ति नहीं है। कोटि कल्प, एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति, 100 साल में कितनी कमा लेगा, पूरा विश्व तो नहीं कमा लेगा ना। कह रहे हैं कोटि कल्पों के जो ईश्वर हैं उन सबको मिलके भी ये संपत्ति नहीं मिली जो श्रीधर मैंने तुम्हें दान करी है। बताओ हम क्या सोच भी सकते हैं दिमाग से, इमेजिन कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। उसके सामने अगर इस संसार के धन को रखो तो वो क्या है, एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, जिसके पास ऐसा प्रेम धन नहीं है उसका जीवन कैसा है, दरिद्र है। तो श्रीधर कौन थे, अमीर थे या दरिद्र थे, अमीर थे, बहुत अमीर थे। कितने अमीर थे, फिर आगे एक और वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु चांद काजी का उद्धार करके आ रहे थे अपने सब भक्तों के साथ, सब भक्तों को लेके चले गए श्रीधर के घर में, और श्रीधर का घर कैसा था, उनके घर के ऊपर की जो छत होती है, छत पहले के जमाने में क्या होती थी, घास फूस की होती थी, उनके घर में ऐसा था कि घास फूस भी आधी डली हुई थी, यानी कि अंदर धूप पानी हवा सब आएगा घर के, और घर में खाने को क्या था, कुछ भी नहीं था, घर में खाने को कुछ भी नहीं, पीने को उनके घर के बाहर एक लोहे का बर्तन पड़ा था। वो लोहे का बर्तन कैसा है, जो आधा टूटा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी पड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर में सब भक्तों के साथ आए, तो महाप्रभु अंतर्यामी है, जानते हैं कि इनके घर में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे बिठा के भोग करा पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर के बाहर जो एक पानी का बर्तन पड़ा था, उस पानी के बर्तन को उठा के पी लिया। जैसे ही उस पानी के बर्तन को उठा के पिया, तो उतने में श्रीधर जैसे ही घर के बाहर आए और उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे आंगन में जो एक टूटा हुआ लोहे का पात्र है उसमें से जल पी रहे हैं। तो वो साथ साथ में क्या बोलने लगे, मरीलू वाली डाका श्रीधर कि भाई मैं मर गया ऐसे कहने लगे। क्यों, कि भाई अब भगवान हो क्या, क्या कर रहे हो, मुझे मरवाओगे क्या, मुझे नरक में भेजना चाहते हो, ऐसा मैं ही, मेरा ही घर मिला था नवदीप में पानी पीने का। और वहां पे जब उन्होंने पानी पिया, उसमें श्रील प्रभुपाद जी टीका में कहते हैं कि देखो, एक तो घर के अंदर पानी होता है, घर के बाहर होता है। जो घर के अंदर पानी होता है वो क्या होता है, पीने योग्य होता है। जो घर के बाहर पानी पड़ा वो पीने योग्य होता है, वो तो पीने योग्य होता नहीं, वो तो धोने के लिए किसी और चीज के लिए यूज होता है, गंदा पानी। और जो पात्र है, पात्र भी कैसा, लोहे का, लोहा सबसे गंदा मेटल, सबसे सस्ता मेटल होता है लोहा, उससे सस्ता कोई मेटल नहीं है। और वो लोहे का होने पर भी कैसा है, पुराना है, पुराना होने पर भी साथ में कैसा है, टूटा हुआ है, तो जंग लगा हुआ है। ऐसे बर्तन में से पानी पी रहे हैं, और उस पानी को पीने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरा तो आज जन्म सफल हो गया, मुझे तो आज कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई। अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उनके वहां से जल पीने के बाद मुझे किसकी प्राप्ति हो गई, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई। पहले तो महाप्रभु उनको खुद भक्ति दे रहे थे, अब क्या कह रहे हैं कि इनका जल पीने से मुझे भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो कैसे समझना पड़ेगा इसको, ऐसे समझना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे एक शिक्षा दिया, महाप्रभु ने एक ये शिक्षा दिया कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन भक्त की दी हुई वस्तु को ग्रहण करने से हमारी भक्ति जो है उदित होती है। तीन वस्तु है जहाँ से भक्ति मिलती है, भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ए तीन धरे महाबल। बताया इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी शक्ति भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद, भक्तों के चरणों का जल, और भक्तों का भुक्त अवशेष उनका उच्चिष्ट प्रसाद। ये तीन के अंदर बहुत महाबल, इसलिए देखने को मिलता है नारद जी भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद पाया, उस कारण से भक्ति में आ गए। तो कह रहे हैं कि भक्तों के घर का जो जल है उसको पीने से भी क्या होती है, कैसी भक्ति की प्राप्ति होती है। और कह रहे हैं कि आज मेरे ऊपर कृष्ण की ऐसी कृपा कि मुझे इस भक्त के दर्शन हुए, इस भक्त के चरणों का जल पीने को मिला, उसके घर का जल पीने को मिला, चरणों का नहीं घर का। तो यहाँ पे बताया कि महाप्रभु कैसे हैं कि भक्त के वश में हो जाते हैं अगर उसके पास क्या है,
भक्ति है, भक्त के वश में हो जाते हैं, भक्ति का ऐसा गुण है। इसलिए कह रहे हैं जिसके पास ये धन नहीं है वो कैसा है, दरिद्र है, उससे बड़ा दरिद्र इस जगत में और कोई नहीं है। जैसे देखो अगर यहाँ से अजमेर जाना है, सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ से अजमेर जाने के लिए? पैसा। बिना पैसे के अजमेर जा सकते हैं? बिना पैसे के हम लोग अजमेर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से इस जगत से उस जगत में जाने के लिए बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं काना तेरी गोकुल नगरी, वहां पे जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चलेगा नहीं, विद्या भी चलेगी नहीं, वहां पे जाने के लिए क्या चाहिए? केवल प्रेम धन। जिसके पास ये प्रेम धन है वो ही उस जगत में जा सकता है, बाकी धन किसी काम का नहीं है। तो कह रहे हैं जिसके पास ये प्रेम धन है उसका जीवन सफल है। अब ये मिलेगा कहाँ से, फिर अगले लाइन में बताया, उसको तो आज समय हो गया, अगली बार व्याख्या करेंगे। दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। जिनके पास ये प्रेम धन है, जो ऐसे भगवान के भक्त हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि दास करी, मुझे क्या कर लो, अपना दास कर लो, और दास करने के बाद मुझे क्या दो, प्रेम धन दो। इसलिए भक्तों के पास जब हम जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने के बाद हम उनसे क्या बोलते हैं, आपके हृदय में जो छुपा हुआ धन है वो क्या करो, हमें दान करो। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेंगे, संन्यास ले ही लिया, उनकी माता बहुत दुखी, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को बोला कि माँ, इस जगत का जो पुत्र है वो धन कमा के अपनी माता को देता है, सोना चांदी यही तो कमा के देता है, लेकिन वो धन कब तक काम आता है? कुछ समय तक, जब तक शरीर है, उसके बाद वो धन किसी काम का, जब शरीर चला गया तो धन भी किसी काम का नहीं। लेकिन माँ, मैं तुझे एक ऐसा धन ला के दूंगा, एक ऐसा धन जिस धन को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा और इंद्र और शिव वो भी बहुत छोटे नजर आएंगे, इतना ऊंचा धन, कृष्ण प्रेम रूपी धन। जिसको वो धन मिल जाए, उसके आगे कहते हैं कि जिसको वो धन की प्राप्ति हो जाए उसके लिए कुबेर इंद्र ये सब कुछ भी नहीं रह जाते। ये सब कैसे रह जाते हैं, एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, आकाश पुष्प पाए थे, कि ये सारी चीजें उनके लिए एक आकाश के पुष्प के समान रह जाती है, आकाश के पुष्प का कोई महत्व नहीं है, इन चीजों का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। महेंद्र आदि जब कीट आए थे, कह रहे हैं शिवजी और ब्रह्मा उसके लिए कीड़े के समान नजर आते हैं उसको, सोचो श्लोक में बता रहे हैं कीट आए थे, यानी कि छोटे से जीव है ये, तो कुछ भी नहीं है। बताया ये इतना ऊंचा प्रेम धन है, यही प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु इस जगत में हम लोगों को देने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपना जो जीवन है इस संप्रदाय में आने के बाद, हमें अपना जीवन का जो लक्ष्य रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि कब हमें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी, और जिसके पास भी ये धन मिले उसके पास जाके हाथ फैलाओ कि हमें भी ये धन दे दो। तो इसलिए वैष्णवों से बोलते हैं कि हमें आपसे एक ही वेतन चाहिए, क्या? प्रेम धन। और अगर हमने इस प्रेम धन को छोड़ के भगवान से कुछ और मांग लिया तो हम लोगों ने अपने आप को ही क्या किया, अपने आप को ही ठग लिया। इसलिए गुरुजी बोलते थे गोवर्धन में जो लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं वो सब लोग अपने आप को खुद ही ठग रहे हैं, लेकिन जो मेरे अनुगत्य में परिक्रमा करेगा वो बच जाएगा, वरना गिरिराज जी सबको ठग लेंगे, क्यों, ये ले लो वो ले लो, हाँ हाँ दे दो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं लेना, केवल एक ही वस्तु मांगनी है, प्रेम धन। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम कीर्तन गाएंगे।